आप सभी को पता ही होगा, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश और कुछ नहीं। वहाँ पे एक छोटा मोटा गृह युद्ध हो रहा है। वैसे वहाँ पे कोई चीज छोटी मोटी नहीं होती है, पूरे देश भर में ही ये गृह युद्ध हो रहा है। ये गृह युद्ध जो है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये जो है ये पाकिस्तान की फौज है एक साइड, और दूसरे साइड में है पाकिस्तान के टॉप क्लास जो नागरिक हैं, जो वहाँ के टॉप क्लास सिटीजन हैं, जो पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड फेमस है, मतलब जिनकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है, उनका नाम तक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनकी वजह से पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान जाना जाता है, कसम से वो लोग हैं। इन दोनों के बीच में अब लड़ाई हो रही है। अब हो क्यों रही है? हो इसलिए रही है क्योंकि ये जो पाकिस्तान का जो सभ्य नागरिक वाला ये जो पूरा का पूरा लोग है, इन लोगों ने कहा था कि फ्रांस के एम्बेसडर का हम काम तमाम कर देंगे। अब फ्रांस ने वहां पे कहा हमारे एम्बेसडर को तुम बचा लो। इसके लिए पाकिस्तानी फौज की जेबें भर दी और पाकिस्तान को भीख देने का लालच कर कि भाई तुम लोग अगर हमारे एम्बेसडर को बचा लेते हो तो भीख हम तुमको दे देंगे। अब इसके बाद क्या होना था, भिखारियों को और क्या चाहिए, और जब घुसखोरों की जेब में घूस भर दो तब क्या होता है, बस। लेकिन गलती यहाँ पे ये हो गई कि ये खबर गई है फैल। अब जब एक खबर फैल गई है तो पाकिस्तान के जो सभ्य नागरिक हैं, जिस गुट में हाफिज सईद हैं, मसूद अजहर हैं, पता नहीं न जाने और कितने लंबे चौड़ी लिस्ट है इसमें, जिन लोगों ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया भर में कतई वर्ल्ड फेमस कर रखा है, मतलब ऐसे महान व्यक्ति जो हैं, इन व्यक्तियों के साथ पूरी की पूरी इनकी जो फौज है वो उतर आई। और अब उतर आई तो क्या भाई, पाकिस्तान की फौज भी ने भी तो इनको दूध पिला पिला के बड़ा किया है। अब इनको बड़ा करा था कि भारत के ऊपर अटैक करें, लेकिन उल्टा हो गया है। इस बार तो पाकिस्तान की फौज ही सिकंजे में आ गई है। तो अब इससे निपटा कैसे जाए? पहले पाकिस्तान की फौज ने करा कि भाई इनके ऊपर चला दो, जो करो कुछ भी करो, इनको रोक दो, कुचल डालो इनको। लेकिन वो काम ना आया। काम आएगा भी कैसे? पाकिस्तानी फौज में आधे से अधिक तो इन्हीं में से निकल के भरे पड़े हैं, और पाकिस्तान की फौज की हर किसी की रिश्तेदारी इनमें से किसी न किसी से मिलती ही है। तो भाई खुद पाकिस्तानी फौज वाले रिजाइन करने लगे कि हम ये नहीं मानने वाले, घूस तुमने खाई है हम क्यों करें। अब पाकिस्तान की फौज ने क्या करा, जब एक खबर बाहर निकल गई कि पाकिस्तानी फौज बिक गई है और पाकिस्तान की जो कतई वर्ल्ड फेमस, ये जो जितने भी सारे के सारे वर्ल्ड फेमस जो पाकिस्तानी सिटीजन्स है, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है, पाकिस्तान इन्हीं के नाम से जाना जाता है, अब जब ऐसे लोग एक तरफ हों तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे आतंकिस्तान होता है। आतंकिस्तान का नियंत्रण अब तक पाकिस्तानी फौज संभालती थी, लेकिन अब पाकिस्तानी फौज के हाथ से ये फिसल गया है। फिसलने की प्रमुख वजह है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसको फ्रांस ने थोड़ी बहुत रिश्वत दी और उसने दौड़ के कूद के भिखारियों की तरह उसको लपक लिया। अब जब लपक लिया है तो अब इसका कारनामा हो रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान में से सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारी वो जगह जहाँ पे कि हम सब अपनी अपनी बकचोदी करते हैं, इन सब को बंद कर दिया है। अब भाई पाकिस्तान के टॉप क्लास वाले नागरिकों को तो छोड़ो, जो नॉर्मल तुच्चे मुच्चे जो गए गुजरे नागरिक हैं यार, उनको भी तो, उन लोगों ने भी तो भसर कहीं करनी थी, कहीं तो बकचोदी करनी थी, कहीं तो अपने दिमाग की भड़ास निकालनी थी। जब वही बंद हो गया, अब वो सारे भी दौड़ आए सड़क पे, कहाँ किस लिए भाई, कुछ नहीं तो हाथ में डंडे उठा लिए हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम किसी चीज को मार के, किसी चीज को तोड़ के, किसी चीज को कुछ भी हो, अपना गुस्सा तो हम निकालेंगे। कसम से टॉप क्लास वाली जो दिमाग में भड़ास होती है, उस भड़ास को निकालने के लिए आपको चाहिए होता है गुस्सा, कहीं ना कहीं तो निकालिए। वो हम काम सोशल मीडिया पे करते हैं, सोशल मीडिया पे आलतू फालतू बकवास करते हैं ताकि मन हल्का हो, लेकिन जब मन हल्का नहीं हो रहा है तो बकवास किस पे करें? कोई जब बकवास करने को नहीं मिलता है तो वही मन में आता है कि जाओ भाई जो सामने दंगे कर रहे हैं उनके साथ मिल जाओ, कुछ भी करो, बस कुछ तोड़ो फोड़ो, पर भड़ास निकालनी है। कसम से ये भड़ास जब निकालने की बात आती है तो भाई ऐसा ही होता है जो कि इस समय पाकिस्तान में हो रहा है। गृह युद्ध से भी बदतर हालात हो गए हैं और पाकिस्तानी फौज के नियंत्रण से ये पूरी चीजें निकल चुकी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भी क्या बकचोदी कर रहा हूँ, मेरी इतनी लंबी चौड़ी बकचोदी हो गई। वैसे ये बकचोदी नहीं है, पाकिस्तान के यहाँ गृह युद्ध हर दूसरे तीसरे दिन होते रहता है। ये हम लोगों को लगता है कि पाकिस्तान बड़ा शांत देश है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे महान आत्माएं भरी हुई हैं
जिनके लिए पाकिस्तान तो मतलब कतई वो फरिश्ता टाइप वाला देश है। लेकिन इधर से वो लोग उठकर उधर जाते नहीं है, वो स्वर्ग है लेकिन स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कसम से इंडिया उनको नरक लगता है लेकिन नरक में ही बैठे रहेंगे। अब ऐसे महान आत्माओं को मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसे महान आत्माएं जो हैं, ये महान आत्माएं नर्क के लायक हैं, लेकिन नर्क ये नहीं, नर्क वो है। उस नर्क में उनको जाना चाहिए, उनको ट्रायल लेनी चाहिए, तब उनको पता चलेगा स्वर्ग और नर्क का फर्क क्या होता है। वैसे दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस प्रकार की मैं वीडियो आए दिन बनाते ही रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप और किस टाइप की वीडियो देखना चाहेंगे, इसी टाइप के टॉपिक से रिलेटेड बताना। कुछ आलतू फालतू तुम लोग के दिमाग में जो चल रहा है वो सब मत लिख देना कमेंट में। ऐसे कुछ करोगे तो उस कमेंट को खुद YouTube ही हटा देगा, तुम लोग को लिखने ही नहीं देगा। इसलिए बोल रहा हूँ, सोच समझ के ठंडे दिमाग से कमेंट करना और ढंग के कमेंट्स करना। धन्यवाद।